असुर, ये शब्द सुनते ही या तो पुराणों की याद आएगी या पिक्चर की, लेकिन सोचिए क्या आज भी होते हैं असुर, हालांकि फिल्म और पौराणिक दुनिया से एकदम अलग, बदहाली की जिंदगी जीते हुए असुर आपने देखे हैं। महिषासुर के वंशज मांग रहे मदद। हम महिषासुर के वंशज, हम असुर जाति के जो लोग हैं, हमारे जितने भी समस्या है वो बार बार जितने भी आते हैं सब सुन के जाते हैं। पहाड़ी इलाका में जो बसे हैं पूर्वजों से, जो हमको विशेष सुविधा नहीं मिल रहा है, सबसे ज़्यादा तो हम लोग ढौड़ी का पानी अभी यूज करना शुरू कर दिए हैं। कभी उसमें पानी गंदा भी चला जाता है तो पीना पड़ता है, जब साफ होगा तभी नहीं लाएंगे घर में। उत्थान की आस, कोई सुविधा न थे, पानी वाले तपलीक ना, नौकरियों नहीं भेटा थे। इधर 8वीं 11वीं 12वीं पास करके पढ़े हैं, यहाँ पे यहाँ नौकरी नहीं मिल रहा है। झेल रहे त्रास, बेबसी बदहाली के सुर। झारखंड में जैसे कि 8वीं 5वीं से जो उन लोगों के लिए स्पेशल वैकेंसी निकलता है, जो छत्तीसगढ़ इसमें नहीं है, अलग से जैसे कोरबो पहाड़ी कोर वालों को जो ध्यान दिया जाता है, उस टाइप से हम लोगों को भी ध्यान दिया जाता है, हम भी कुछ भी कर सकते हैं। कोपरल पंचायत में 6 बोरिंग है, तो उसमें 3 बोर है, तो कभी लाइट आता है नहीं आता है, लेकिन वो भी बोर सक्सेस नहीं है। उफ, अभागे असुर। धरती पर आज भी हैं असुर, लेकिन वैसे नहीं जैसा आपने देखा होगा सुना होगा। विलुप्ति की कगार पर है महिषासुर के वंशज, असुर समाज का अस्तित्व। सीधे चलिए जशपुर के मनोरा विकास खंड। पुरातन काल का पावरफुल असुर आज अपने अस्तित्व को बचाने की जद्दोजहद में है। जशपुर के मनोरा विकास खंड के 4 गांवों में इतिहास के पन्नों में दर्ज असुर आज भी निवासरत हैं। छत्तीसगढ़ में सिर्फ जशपुर जिले के पहाड़ी इलाकों में रहते हैं। खुद को महिषासुर के वंशज बताने वाले असुरों की जनसंख्या पूरे देश में करीब 8,000 है और छत्तीसगढ़ में 300 के आसपास। सरकारी उपेक्षा उन पहाड़ों से ऊंची हो गई है जिनकी गोद में इनका निवास है। मनोरा विकास खंड के लुखी, गजमा, कांटाबेल, कपरोल में रहते हैं ये असुर जनजाति के लोग। ज्यादातर लोगों के लिए बिजली, सड़क, पानी, खुली आंखों का सपना बने हुए हैं। 4 ग्राम पंचायतों में जीवन यापन करने वाले असुर जनजाति के लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं और खेती और मजदूरी करके पेट पालते हैं। बिजली अक्सर गायब रहती है, सड़क ऐसी कि बारिश के 4 महीने में ही नाले का भी काम करती है। पीने के पानी के लिए हैंडपंप की मर्जी पर रहना होता है, वरना ढोड़ी के गंदे पानी से प्यास बुझा लो। पढ़ाई लिखाई के बाद भी मजदूरी और खेती ही किस्मत में लिखी है। सालों से मांग यही है कि असुर जनजाति को विशेष संरक्षित जनजाति में शामिल किया जाए, जनजातियों के संरक्षण के लिए पानी की तरह पैसा बहाया जाए और असुर जनजाति से मुंह फेर लिया जाए। ये बात इनके गले नहीं उतरती। हम महिषासुर के वंशज, हम असुर जाति के जो लोग हैं, हमारे जितने भी समस्या है वो बार बार जितने भी आते हैं सब सुन के जाते हैं, लेकिन हमारा कहना जरूरी है कि हमारे जितने भी वोट जाते हैं, जो भी आते हैं वोट जाता है, जितना भी किसी को कोई मतलब उतना ध्यान हमारे ऊपर नहीं देते हैं। क्या कि हमको बहुत ही समस्या यहाँ हो रही है, जैसे कि पानी पीने का जो समस्या है हमारे पास, जब तक बिजली नहीं रहेगा हमारे पास पानी पीने का कोई उपाय नहीं है। हम ढोड़ी जाएंगे वहाँ से भर के लाएंगे, और बरसात के दिन में गंदा पानी भी वहाँ घुसता है, उसको लेके आके पीना ये थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। पर कि यहाँ पर हम जितने भी वोट हम देते हैं, हमारा वोट का तो कोई वैल्यू ही नहीं है, मान के चलिए जो भी है।
हम असुर जनजाति के जो यहाँ जसपुर जिला के छत्तीसगढ़ जसपुर जिला के जो यहाँ पहाड़ी इलाका में जो बसे हैं पूर्वजों से, जो हमको विशेष सुविधा नहीं मिल रहा है, जैसे कि पानी पीने के लिए यहाँ पर बोरिंग नहीं है, जो कुआं का पानी को पीना पड़ता है, जहाँ पर गंदा पानी जाता है, हाँ डोड़ी का पानी पीते हैं, और जो हमको विशेष सुविधा नहीं मिल रहा है, जैसे कि यहाँ पर रहने के लिए घर नहीं है, धसा मकान मिल रहा है, और यहाँ बिजली का भी सुविधा नहीं है, अभी बरसात के सीजन में कट जाता है। पहाड़ी कोरबा की तरह पढ़ाई लिखाई और नौकरी में विशेष छूट इन्हें आर्थिक विकास की राह पर ले जा सकती है। अंदाजा इस बात से भी लगा लीजिए कि पूरे प्रदेश में असुर समाज के 3 लोग सरकारी नौकरी में हैं। उम्मीद है कि इनकी भी गुहार कभी तो जिम्मेदार सुनेंगे। दीपक सिंह, News18, जशपुर। तो असुर समाज के लिए मूलभूत सुविधाओं के साथ साथ यूनिवर्सल समस्या बेरोजगारी भी विशेष संरक्षित जनजाति उत्थान में सहायक हो सकती है, बशर्ते नियत और नीति दोनों साफ हो। एक अदद मांग यही है कि विशेष दर्जा मिल जाए तो सालों से इस अभिशाप से मुक्ति मिले। असुर समाज के लोगों का कहना है कि कुछ राज्यों में उन्हें ये दर्जा मिला हुआ है, लेकिन छत्तीसगढ़ में नहीं। लोगों की सबसे बड़ी चिंता पढ़ाई लिखाई और कमाई की है, साथ ही सड़क पानी बिजली स्कूल जैसी बुनियादी सुविधाओं की भी दरकार है। तो मतलब कि पानी ले सस्ता है, पानी मतलब गढ़ा जाक पड़े लाने के लगे, और बरसात में दिक्कत पड़े पानी लगे, बिजली भी नहीं रहल, बरखा में नहीं रहल है। असुर समाज कर हकी, लेकिन नौकरी भी नहीं भेटा थे, 11वीं 12वीं पढ़ी, लेकिन वृद्धा पेंशन मिलता है यहाँ पर नहीं मिलता है छत्तीसगढ़ में। नौकरी भी मिलता है 8वीं पास करने के बाद, 10th क्लास पास करने के बाद तुरंत नौकरी मिलता है, और इधर 8वीं 11वीं 12वीं पास करके पढ़े हैं यहाँ पे, यहाँ नौकरी नहीं मिल रहा है। जिले के जागरूक लोग भी विशेष संरक्षित जनजाति की मांग का समर्थन करते हैं, लेकिन अधिकारियों का सालों पुराना रवैया बरकरार है, यानी हमेशा की तरह गोल मोल जवाब। छत्तीसगढ़ में पहाड़ी कोरवा को और बिरहोर को विशेष पिछड़ी जनजाति तो माना जाता है, लेकिन असुर जनजाति जिनकी संख्या मात्र 250 है और धीरे धीरे विलुप्त होने के कगार पर हैं, ना तो उन पर किसी प्रशासन का ध्यान है और ना सरकार का ध्यान है। और जहां तक राजनीति की बात है, तो चूंकि इनकी संख्या लगातार घट रही है और ये वोट बैंक की राजनीति में शामिल नहीं हो सकते, और इसलिए राजनेताओं का भी ध्यान इस जनजाति की ओर नहीं जाता। झारखंड क्षेत्र के कुछ आके वहाँ पे निवास कर रहे हैं, तो चूंकि असुर जनजाति के हैं और वो लोग यदि विशेष पिछड़ी जनजाति में शामिल होना चाहते हैं, तो यदि उनके द्वारा आवेदन पत्र दिया जाएगा तो उसको राज्य शासन के माध्यम से केंद्र शासन को भेजेंगे। हैरत की बात है कि खुद को महिषासुर का वंशज बताने वाले असुर, आग की खोज का दावा करने वाले असुर आज खुद सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं, जो हर भारतीय का हक है, अधिकार है। उम्मीद है जिम्मेदारों के कानों तक ये अब तक अनसुनी फरियाद जाएगी, और इन 4 गांवों में भी वो सुबह कभी तो आएगी। दीपक सिंह, News18, जशपुर। और अब बात बारिश की। मध्य प्रदेश में मानसून की बारिश जारी है, लगभग पूरे प्रदेश में बारिश का सिलसिला चल रहा है। एक तरफ बारिश के चलते गर्मी से लोगों को राहत तो मिल गई, लेकिन कई जगह यही बारिश आफत बन गई। जलभराव के चलते लोगों को भारी परेशानियां हो रही हैं। सड़कों पर घुटनों तक पानी है, लोगों के घरों में पानी है। अलग अलग जगहों की 8 तस्वीरें देख लीजिए। नरसिंहपुर, जबलपुर, मंडला, सिवनी, देवास, छतरपुर, बालाघाट और दतिया बारिश आई, मुसीबत लाई। इधर सिवनी में बारिश के चलते नदी उफान पर है,
बैनगंगा नदी में 5 चरवाहे फंस गए। इन्होंने पेड़ पर चढ़कर अपनी जान बचाई। इधर लखनादौन इलाके में बारिश का सबसे अधिक कहर देखने को मिला। इलाके के नदी नाले अचानक उफान पर आ गए। छोटे रपटों के ऊपर से पानी बहने लगा। लखनादौन शहर के निचले इलाकों में लबालब पानी भरा हुआ है। डोगरिया गांव की बात करें, बांध फूट गया। एक व्यक्ति के इस पानी में बहने की भी खबर है। खबर नरसिंहपुर से, जहां रात भर बारिश हुई, मानो कहर बरप गया। जिले की करीब करीब सभी तहसीलों में जनजीवन बुरी तरह अस्त व्यस्त है। निचली बस्तियों समेत कई वार्डों में पानी भर गया और लाखों का नुकसान हो गया। जबलपुर जाने का जो सड़क मार्ग है उसका वो पानी पानी हो चुका है और जबलपुर नरसिंहपुर का सड़क संपर्क अब हो चुका है खत्म। गोटेगांव के बीच शेर नदी पर ब्रिज के ऊपर से पानी। करेली में धमनी तो नरसिंहपुर में सिंगरी उफान पर है और पूरे जिले में बारिश, ये शुरुआती बारिश है, पहली बारिश है। पूरे जिले में बारिश मानो तबाही पर आमादा है। नरसिंहपुर जिले में पिछली रात से जोरदार बारिश है। यदि हम जिले की तहसीलों की बात करें तो जलमग्न है। निचली बस्तियों में जमकर पानी भरा है, लोग परेशान है। रेलवे की बात करें तो बारू रेबा का जो रेलवे ब्रिज है उसमें जो डाउन ट्रैक है वो प्रभावित है। गाड़ियां रेलवे स्टेशनों पे खड़ी हुई हैं। हमारे साथ नरसिंहपुर के एसपी हैं अमित कुमार जी, हमें बताएंगे कि क्या स्थिति है, जायजा लेने सुबह से निकले सर, क्या स्थितियां नजर आ रही जिले में? दरअसल भारी बारिश के बाद जो है नरसिंहपुर जिले में जगह जगह पे पानी, जन प्लावन की जो स्थिति हुई है। नरसिंहपुर सिटी में जो है प्रशासन और पुलिस जो है लगातार जो है ये रेस्क्यू कुछ करना पड़ा है, वो भी हमने किया है। बाकी इंश्योर करें, बारूरेवा पुल भी जो है थोड़ी सी जो है डाउन जो है अफेक्टेड है। गाडरवारा में ट्रेन रुकी है और जो जबलपुर में जा रहे हैं स्टूडेंट्स उसको लेकर के भी आरटीओ के साथ मिलकर व्यवस्था की गई है। हमारे द्वारा कलेक्टर मैडम और मेरे द्वारा जो है लगातार जो है समीक्षा की जा रही है जिले में और जो भी सहायता है, जो भी पुलिस के द्वारा सहायता है वो प्रदान की जाएगी। सर, संपर्क की बात करेगी, करेली से जबलपुर का रेलवे का संपर्क हुआ, नरसिंहपुर से अपना सड़क यातायात का संपर्क हुआ, नदी आई है कोई शेर नदी की जानकारी? हाँ, शेर नदी पे भी जो है पानी अभी जो गोटे गांव में जो है ओवरफ्लो चल रहा था। अभी हमने हर रपटे पे जो है और पुलों पे जहाँ पे ऊपर पानी है कोटवार और पुलिस लगा रखे हैं। अभी धीरे धीरे पानी कम हो रहा है, जैसे ही होगा व्यवस्था हम जो है इंश्योर करेंगे। बाकी जहाँ पे भी काम की जरूरत पड़ेगी वहाँ पे प्रशासन के साथ मिलकर जो है उनको जल्दी जल्दी रोड को ठीक कराया जाएगा। तो आप देखिए खेत नजर आ रहा है पीछे, ये बारूरेवा से लगी हुई ये नदी है, साफ समझ सकते हैं किस तरह से रात भर से जो बारिश हुई है उसका ये असर नजर आ रहा है। हम हाईवे NH 44 पे यदि इस तरफ दाई ओर की बात करते हैं तो ये भी खेत सारे भरे नजर आ रहे हैं। रेलवे ट्रैक पर जाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं, लगभग 2-3 घंटे से बताया जा रहा है कि वहाँ सुधार कार्य जारी है, डाउन ट्रैक बंद है जिसके चलते यात्री जबलपुर तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। कोशिश है हमारी वहाँ तक हम पहुँच पाए लेकिन अभी तक हम नहीं पहुँच पाए। लेकिन जिस तरह से SP बता रहे हैं कि पूरे जिले में जो जल भराव की स्थिति है, चाहे अतिवृष्टि की स्थिति है, उससे जनजीवन साफ अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। आने वाले समय बताएगा किस तरह से लोगों की समस्याएं दूर होगी, लेकिन फिलहाल गनीमत इस बात की है कि बारिश थमी है और धीरे धीरे जहां जहां पानी भरा है वहां पानी उतर रहा है। तो लोगों के लिए राहत की बड़ी बात यह है कि बारिश अब थम गई है। नरसिंहपुर से आशीष जैन, News 18। इधर मंडला में नैनपुर की थावर नदी उफान पर आ गई और पुल के ऊपर से नदी का पानी बहने लगा। मंडला का सिवनी से सड़क संपर्क टूट चुका है, मंडला का डिंडौरी से सड़क संपर्क टूट चुका है। तकरीबन 3 जिले ऐसे जिनसे फिलहाल कटा हुआ है मंडला। पुल के दोनों तरफ अलग अलग जो पुल है, पुल के दोनों तरफ वाहनों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। और फिर आपको बता दूं, ये पहली बारिश के बाद की स्थिति है। इधर मंडला में दो गांव के बीच बना एक जलाशय टूट गया। बारिश के बाद ये ओवरफ्लो होने लगा। निकासी के लिए किसी तरह की कोई व्यवस्था की नहीं गई थी। जब निकासी की व्यवस्था नहीं होगी पानी अपना रास्ता खुद निकाल लेगा। पानी जब अपना रास्ता निकालता है तो फिर आती है त्रासदी। मंडला में पानी ने अपना रास्ता खोजा और निकल लिया।
आसपास के खेत और घरों में पानी भर गया है। ग्राम पंचायत सुखरी संग्रामपुर के पोषक ग्राम है खरखरा, वहां का यह पूरा मामला है। और अब जरा बालाघाट की भी तस्वीरें देख लीजिए, जहां घंघरिया में मानकुंवर नदी पर बना डाइवर्शन का पुल बह गया। इसके चलते नैनपुर मुख्य सड़क मार्ग बंद हो गया। बालाघाट लामता से नैनपुर का संपर्क टूट गया। इलाके के 20 गांवों का लामता समेत बालाघाट मुख्यालय से संपर्क टूट गया। यहां 3 दिनों से बारिश का दौर चल रहा है। एक तरफ लोगों को गर्मी से तो राहत मिल गई, लेकिन नदी नाले उफान पर आ गए। रपटों के ऊपर से पानी बहने लगा। जल भराव के चलते लोग खासी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। श्योपुर में बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। कई जगहों पर पानी रपटों के ऊपर जा चुका है, रपटे डूब चुके हैं। विजयपुर इलाके में उपचा गांव के पास नाला उफान पर है। इसके चलते विजयपुर को मुरैना और श्योपुर से जोड़ने वाली जो सड़क है, इस पर आवागमन पूरी तरह से बंद है। लोग खासी परेशानियां उठा रहे। नाले का पानी का उफान यानी प्रवाह यानी धारा इतनी तेज कि निर्माणाधीन पुलिया का कुछ हिस्सा भी बह गया। इधर भिंड में है दंदरुआ धाम हनुमान मंदिर, इसके गर्भगृह में पानी भर गया। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। श्री हनुमान की मूर्ति के पैरों तक मंदिर का गर्भगृह है, यहां पर पानी पहुंच गया है। श्रद्धालुओं को मंदिर पहुंचने में दिक्कत हो रही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, खबरें जारी हैं।